तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी? अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल चाल है आप लोगों के, बताएंगे जल्दी से। सभी अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं, जानदार है, किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है आप लोगों को? ठीक है, चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जानते हैं, यहाँ पर जो स्पेशल क्लास होती है आप लोगों की अन एकेडमी पर, जो आपकी बिल्कुल फ्री होती है, आपके सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स, चाहे आप एनटीपीसी की बात कर रहे हो, चाहे आप लोग ग्रुप डे की बात कर रहे हो, है ना। तो दोनों ही के लिए आप लोग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो सभी आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, जो बोल रहे थे कि सर पोल थोड़ा सा लेट आ रहा था कल, आज नहीं आएगी, है ना, वो मुझे प्रॉब्लम समझ में आ गई थी क्या हो गई थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आप लोग के दो पैर एक बज चुके हैं, तो क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये क्लासेज आप लोगों को एसएससी एग्जाम्स के स्पेशल क्लासेज के सेक्शन में मिलेगी। चलिए, ये क्लास आप लोगों को एसएससी एग्जाम्स के स्पेशल क्लासेज के सेक्शन में मिलेगी, ध्यान आप लोग रखेंगे। कुछ प्रॉब्लम होगी, और दोस्तों आप लोग मेरी प्रोफाइल को क्या कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, जिससे आपके पास में क्लास से पहले नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, मेरी प्रोफाइल को आप लोग फॉलो। दोस्तों कुछ पेन में प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं चलिंद्रा क्या हो गया जिसमें। चलिए आज पेन प्रॉब्लम कैसे आ रही है, चलिए दोस्तों एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बात हम लोग करते हैं आप लोगों से, अगर आप लोग अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन ले, तो आप लोग दोस्तों रेफरल कोड यूज कर ले दोस्तों, नीरज 11। यहाँ पर 2 साल का सब्सक्रिप्शन 7800 रुपए का है, नीरज 11 लगाएंगे आप लोगों का कितने का पड़ जाएगा, ये 7020 रुपए का पड़ जाएगा। चलिए दोस्तों, और आपके लिए मैंने सुबह 9:30 बजे यूट्यूब पर वीडियो कर दिया था दोस्तों, ध्यान रखेंगे मंडे से अपनी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, एनटीपीसी ग्रुप डी के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। क्लास की जो टाइमिंग रहेगी वो कितनी रहेगी, 9:30 बजे आप लोग की क्लास की टाइमिंग रहेगी। ठीक है, चलिए, और दोस्तों आप लोगों को पता है डेली रात को 11:30 बजे मैं आप लोगों को दोस्तों एनालिसिस करवाता हूँ जीके और जीएस के पूछे गए सभी क्वेश्चंस का। ठीक है, तो 28 तारीख का भी मैंने करवा दिया था 28 तारीख की रात को 11:30 बजे, कल 29 तारीख का मैंने करवा दिया था 29 तारीख की रात 11:30 बजे, और आज कितनी तारीख है आपकी, 30 तारीख है, तो 30 तारीख का भी आप लोगों को एनालिसिस मिल जाएगा दोस्तों रात को 11:30 बजे, मैं आपको यूट्यूब पे करवाता हूँ, वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट करते हैं, आज है क्लास नंबर 11। बताए दोस्तों, तो देखिए क्लास के मैं आप लोग को रूल्स बता देता हूं, आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों दोपहर 1 बजे ही आप लोगों की क्लास होती है। आप लोग दोस्तों अगर जो भी स्टूडेंट है उनकी अगर ये पहली क्लास भी है, तो आप लोग दोस्तों जुड़ के देखेंगे, जब आप लोग 4-5 क्लास आप लोग देख लेंगे, तब आप लोगों को पता पड़ जाएगा कि आप में कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है, समझ पा रहे हो बात को। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, चाहे आप लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या ग्रुप डी की, आप लोगों को सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चंस इस क्लास से देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं क्लास के रूल्स क्या रहेंगे, आप लोगों के सामने क्वेश्चन आता है और 4 ऑप्शंस होते हैं, और दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोगों को उसमें से राइट आंसर सेलेक्ट करना होता है, और मैं आप लोगों को साथ में क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी बताता हुआ चलता हूं। जब पूरे 35 क्वेश्चन हो जाएंगे, तब मैं लास्ट में आप लोगों को आपकी रैंक शेयर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, तो लास्ट में मैं आप लोगों की दोस्तों अभी चैट्स बंद कर रहा हूँ, लास्ट में मैं चैट्स खोलूंगा, तब आप लोग बाकी के जो भी आप लोगों की समस्या है वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, है ना। चलिए, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है, आंसर आप लोग बताएंगे, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। और दोस्तों थोड़ा सा एक बार वेट करेंगे, मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, इसमें प्रॉब्लम आ रही है,
आंसर बताओ उसका। दोस्तों एक बार रुकिए, मैं इसको, इसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक बार वेट करिए, मैं ये चेंज करके देखता हूँ, है ना, अगर ये कुछ सही हो जाए तो, है ना। प्रॉब्लम तो इधर भी आ रही है, चलो कोई बात नहीं, है ना। तो अगर हम लोग बात करें, चलो करते हैं, तो सबसे बड़ा अंग कौन सा है दोस्तों, अगर हम लोग बात करें सबसे बड़े अंग की, तो ये आप लोग का हो जाएगा दोस्तों त्वचा। दोस्तों मुझे लगता है आज अपनी क्लास कंटिन्यू हो पाएगी, देखो मैं लिख भी नहीं पा रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक बार चैट खोलता हूँ मैं ना आज, दोस्तों पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं लिख ही नहीं पा रहा यार, देखो बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो बताए क्या करें आप लोग दोस्तों, देखो जैसे जैसे देखो होता क्या है, जैसे मैं टच करने जा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे ही मैं देखो टच करने जा रहा हूँ ना, कर्सर अपने आप पता नहीं कहाँ भग गया, ठीक है। जैसे देखो मैं जैसे यहाँ पर टच करने आ रहा हूँ ना, टच करने आ रहा हूँ, तो पता नहीं वो वहां पर जा रहा है, देखो जबकि मैं यहाँ पर कर्सर है, देखो यहाँ पर अभी, तो जैसे मैं यहाँ पर लिखने आ रहा हूँ, तो ये कभी यहाँ पर भाग रहा है, क्या करे बताओ। एक बार कुछ देख लेते हैं, कुछ ग्रुप पे डाल देता हूँ मैं, कुछ हो जाए तो। बताओ दोस्तों क्या करें आज, मैं तो हेल्प मांग रहा हूं एक बार, ना जब तक आप आपस में बात करते रहो, रोजिना कमेंट में बहुत बात करते हो, अभी भी आप लोग कर लो, है ना, वेट करिए एक बार, वेट करिए दोस्तों। एक बार वेट करिए, अरे आपस में बात कर लो एक बार, देखो मैं बात कर रहा हूँ, लाइव बग इशू है ना, मैं ग्रुप पे मैसेज कर रहा हूँ कि मेरा पेन टैब वर्क नहीं कर रहा, तो अभी कुछ रिप्लाई कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। रोज बात करते हो, कमेंट करते हो, बोलते हो ना कमेंट खोलो, लो कमेंट खोल दिया आपके लिए। तो चलिए दोस्तों आज एक काम करते हैं यार, आपसे बात ही कर लेते हैं, नहीं पहली बार ऐसा हो रहा है कि दोस्तों अपनी 51 नंबर की क्लास है उसमें आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है कि भैया पेन ही नहीं चल रहा, मतलब कई बार तो पेन खो जाता था लेकिन बिना पेन के भी मैंने पढ़ा दिया, लेकिन इसमें दोस्तों लिखा ही नहीं जा रहा। सुनो एक काम करूं क्या, मैं एक बार 2 मिनट का वेट करेंगे, मैं एक बार सिस्टम चालू करके बंद कर लूं क्या बताओ, 2 मिनट का वेट कर लोगे क्या, रुको एक बार, है ना, एक बार रुको। दोस्तों आपके सामने मैं आ चुका हूं, ठीक है, अब सही से ये काम कर रहा है ना, तो आई एम सॉरी आज थोड़ी जो प्रॉब्लम आई आपके लिए, स्टार्ट कर ले दोस्तों, वैसे तो काफी बच्चे भग गए हैं, लेकिन अब क्या करें यार दोस्तों, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मतलब मैं चेक ही कर रहा था कि कब सही होगा ये, तो स्टार्ट कर ले अपन, तो चले आज स्टार्ट कर ले फिर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लाइव टेस्ट नंबर 51, है ना। आपको रूल्स पता है क्या रहेंगे दोस्तों, कमेंट सेक्शन रहेगा बंद, आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शंस आएंगे, उस पर आप लोग टिक करेंगे। चलो दोस्तों अब और ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अब स्टार्ट करते हैं, चलो कोई बात नहीं, अब टेक्निकल चीजें कई बार हो जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, बताइए जल्दी से,
क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो दोस्तों राइट आंसर आपकी हो जाएगा दोस्तों स्किन यानी त्वचा। अगर आपका स्किन ऑप्शन में नहीं होता तो राइट आंसर आपका दोस्तों लीवर होता। और ध्यान रखेंगे दोस्तों लीवर एक ग्लैंड भी होती है, ग्लैंड यानी ग्रंथि। ग्रंथि क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे अंग जिनसे कोई ना कोई पदार्थ निकलते हैं उनको ग्रंथि बोलते हैं। तो सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो वो आपकी लीवर हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी आप लोगों से अंग पूछे तो वो आप लोग का लीवर हो जाएगा। और सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा? स्किन हो जाएगा, ध्यान आप लोग रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। डेलोनिक्स रेगिया किसका साइंटिफिक नेम है बताएंगे आप लोग? डेलोनिक्स रेगिया किसका साइंटिफिक नेम है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलमोहर, जिसको हम लोग रॉयल पॉइनिशियाना भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों गुलमोहर की, तो इसी का साइंटिफिक नेम होता है डेलोनिक्स रेगिया। और आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, अभी 2 दिन पहले आप लोगों से कैट का पूछा गया था, कैट का साइंटिफिक नेम यानी बिल्ली का। तो कैट का क्या होता है दोस्तों? फेलिस कैटस होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक आप लोगों से पूछा गया था फ्रॉग का, तो ये आप लोग का हो जाएगा दोस्तों फ्रॉग का, ये आप लोगों को गलत लिखा हुआ है ना, फ्रॉग का हो जाएगा आप लोगों का ये राना टिग्रेस हो जाएगा, नहीं उल्टा लिखा हुआ है ये, तो फ्रॉग का ये आप लोगों का हो जाएगा राना टिग्रेस। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आप लोगों से गुलमोहर का भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। जो अमीबा है वो कौन से फाइलम से संबंधित है? अमीबा कौन से फाइलम से संबंधित है? तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ। किससे संबंधित है? प्रोटोजोआ से। तो दोस्तों प्रोटोजोआ आप लोगों के क्या होते हैं? इस फाइलम में जितने भी आप लोगों के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जितने भी जीव आते हैं, वो आप लोग के यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी ये सभी आप लोगों के एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। जैसे अमीबा भी दोस्तों किस वाले आप लोग के फाइलम में आता है? प्रोटोजोआ में आता है। तो अमीबा भी दोस्तों कैसा ऑर्गेनिज्म है? एक यूनिसेल्युलर यानी एक कोशिकीय जीव है। इसके अलावा क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है? जिसकी वजह से आप लोगों को मलेरिया होता है। तो अगर आप लोगों से पूछे इस प्लाज्मोडियम का फाइलम कौन सा है, ये कौन से संघ में आता है, ये भी आपके प्रोटोजोआ में आता है, ठीक है। और ये सभी के सभी जो जीव होते हैं दोस्तों, ये जलीय जीव होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ इसके फाइलम का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताएंगे आंसर। मधुमेह किसके कारण होता है? डायबिटीज किसके कारण होता है? तो दोस्तों आप लोग जो भी कार्बोहाइड्रेट खाते हो, जब उसका डाइजेशन होता है, पाचन होता है, वो किस में कन्वर्ट होता है दोस्तों? आपकी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों पैनक्रियास यानी अग्नाशय से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। अगर दोस्तों इंसुलिन का सीक्रेशन कम होगा, इसका उत्पादन कम होगा, तो ग्लूकोज आपका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, आपके ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाएगा। इसी समस्या को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज यानी मधुमेह। तो इसका कारण क्या हो जाएगा? इंसुलिन का कम उत्पादन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। टेक्टोना ग्रैंडिस लिन किसका साइंटिफिक नेम है? क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है टेक्टोना ग्रैंडिस लिन किसका साइंटिफिक नेम है, किसका वैज्ञानिक नेम है? तो दोस्तों ये आप लोग का हो जाएगा टीक का, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोगों से बहुत ज्यादा साइंटिफिक नेम आजकल पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी में, तो ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। जो सी एनिमोन्स होते हैं वो किस फाइलम से संबंधित है? ये क्या है आप लोगों के सी एनिमोन्स? तो दोस्तों ये आप लोगों की एक प्रकार की जीव है। जैसे आप लोगों ने दोस्तों हाइड्रा सुना होगा, जेलीफिश सुना होगा, फिश
सिमिलरली दोस्तों आप लोग का जो सी एनिमोन्स होता है ये भी आप लोगों का एक जीव है, ये कौन से फाइलम को दोस्तों बिलोंग करता है, ये आपका हो जाएगा दोस्तों नाइडेरिया। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका नाइडेरिया हो जाएगा, ध्यान आप लोग रखेंगे। तो नाइडेरिया से आप लोगों के कौन कौन से एग्जाम्पल्स पूछा जाता है दोस्तों, आप लोगों को मैंने एक बता दिया सी एनिमोन्स आपका पूछा जाता है, जेलीफिश कौन से फाइलम को बिलोंग करता है, या कोरल की अगर बात करें या हाइड्रा की बात करें, तो दोस्तों ये जो सभी जीव है आप लोगों के ये कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं, नाइडेरिया को बिलोंग करते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। निम्नलिखित में किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बन पाता? तो दोस्तों अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी है तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, और अगर चाहते हैं आप लोग कि आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी नहीं हो तो आप लोगों को दोस्तों हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए जिनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन के होता है। तो जो रक्त का थक्का नहीं बन पाता वो कौन से विटामिन की कमी से नहीं बन पाता, विटामिन के की वजह से, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। आप लोगों से पूछा जा रहा है पौधे में जो ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया होती है उसको किस रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फोटोसिंथेसिस। देखिए होता क्या है, आप लोगों के जो प्लांट्स होते हैं वो रूट से जड़ों से लेते हैं दोस्तों जल यानी वाटर, और एटमोस्फेयर से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और किसका निर्माण करते हैं दोस्तों, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ये ग्लूकोज क्या होता है, ये ही आप लोगों के जो पौधे होते हैं उनका भोजन होता है, ये ही पौधों में ऊर्जा का सोर्स होता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं दोस्तों फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। ये वेरी सेला होगा ना दोस्तों। तो बोला जा रहा है कि आप में से पूछा गया जो चिकन पॉक्स होता है ये किस वायरस के कारण होता है, तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों चिकन पॉक्स की तो यह एक वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज का मतलब है ये एक वायरस से होने वाला रोग है, और जो वायरस होता है ये कौन सा वायरस होता है, इसका नाम होता है दोस्तों वेरिसेला जोस्टर वायरस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए दोस्तों ये रेबीज क्या है, तो रेबीज तो दोस्तों एक डिजीज है, और ये कौन से वायरस से होता है, रेबीज दोस्तों आप लोगों का लाइसे वायरस नामक एक वायरस से होने वाला रोग है। दोस्तों इस वेरियोला वायरस से कौन सा रोग होता है, तो इससे दोस्तों स्मॉल पॉक्स होता है, ध्यान आप लोग रखेंगे। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों स्मॉल पॉक्स की तो ये आप लोगों के वेरियोला वायरस से होता है, और अगर हम लोग बात करें चिकन पॉक्स तो ये कौन से वायरस की वजह से होता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों येलो फीवर एक डिजीज है, पीला बुखार करके एक बीमारी है, तो किसकी वजह से फैलती है, तो ये आप लोग के दोस्तों मच्छर की वजह से फैलती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगर हम लोग बात करें येलो फीवर की तो ये आप लोगों का किसकी वजह से फैलती है, स्प्रेड बाय स्पीसीज ऑफ मॉस्किटो, यानी दोस्तों मच्छर की ही एक प्रजाति के द्वारा ये फैलती है। और अगर आप लोगों से इसके सिम्टम्स पूछे जाए तो दोस्तों इसमें क्या होता है, फीवर, हेडेक, नोजिया एंड वॉमिटिंग जैसे आप लोगों को इसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और दोस्तों येलो फीवर की अगर हम लोग बात करें तो यह एक वायरस से होने वाला रोग है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। इनमें से किसमें दोस्तों नर्वस सिस्टम नहीं होता, तंत्रिका तंत्र यानी सोचने समझने की क्षमता दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होगी इनमें, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों स्पॉन्ज। क्या हो जाएगा, स्पॉन्ज। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो स्पॉन्ज होता है ये कौन से फाइलम को बिलोंग करता है दोस्तों, पोरीफेरा।
अब ये पॉरीफेरा वाले फाइलम के जो भी जीव होते हैं इनमें क्या खास बात होती है, आइए हम लोग समझते हैं। तो अगर हम लोग बात करें पॉरीफेरा, तो इनमें दोस्तों जो भी आप लोगों के जीव पाए जाते हैं उनमें क्या होते हैं दोस्तों, छोटे छोटे छेद होते हैं। तो ये ऐसे जीव होते हैं जिनके पूरे शरीर पर क्या पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये आप लोगों के बहुकोशी के जीव होते हैं, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी इनकी बॉडी एक कोशिका से नहीं, एक से अधिक कोशिका से मिलकर बनी होती है। दोस्तों इनमें टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। अब आप लोग बोलेंगे टिश्यू का मतलब क्या होता है, दोस्तों सेल मिलके, कोशिका मिलके क्या बनाते हैं, उत्तक बनाते हैं, और उत्तक मिलके दोस्तों अंग बनाते हैं। तो दोस्तों इसमें कोई उत्तक ही नहीं है तो क्या कोई अंग पाया जाएगा, क्या कोई ऑर्गन पाया जाएगा, क्या नहीं पाया जाता। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इसमें कोई अंग ही नहीं है, और जब अंग ही नहीं होंगे तो सिस्टम कैसे पाया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पॉन्ज। और स्पॉन्ज कौन से फाइलम को बिलोंग करता है, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा फाइलम वाले जंतुओं में आप लोगों का नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। आप लोगों से पूछा जा रहा है स्क्विरिडेई किसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। तो स्क्विरिडेई किसका वैज्ञानिक नाम है, किसका साइंटिफिक नेम है, आप लोगों को बताना है। तो ये आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों स्क्वायरल यानी गिलहरी का। किसका हो जाएगा दोस्तों, गिलहरी का। तो अगर बात करें दोस्तों स्क्वायरल यानी गिलहरी, तो इसका ही साइंटिफिक नेम आपका क्या हो जाएगा, स्क्विरिडेई। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। निम्नलिखित में से क्या हीमोफीलिया का एक लक्षण है। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों हीमोफीलिया, तो यह एक आप लोगों की कैसी डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है दोस्तों, आनुवांशिक रोग है, यानी ये आप लोगों के पेरेंट से आप में आता है। अगर बात करें इस प्रॉब्लम में होता क्या है, तो इस डिजीज में दोस्तों रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। पवन का वेग मापने वाले उपकरण को क्या बोलते हैं। आपको विंड की वेलोसिटी अगर मेजर करनी है तो कौन से उपकरण का इस्तेमाल करा जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनीमोमीटर। दोस्तों लैक्टोमीटर क्या होता है, ये दुग्ध की यानी दूध की शुद्धता का मापन करता है। बैरोमीटर क्या करता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर, यानी ये तो वायुमंडलीय दाब मापता है। अगर बात करें दोस्तों सिस्मोग्राफ, ये क्या होता है, ये भूकंप को मापता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। मकड़ी किस फाइलम से संबंधित है। तो जो मकड़ी होती है दोस्तों, कॉकरोच होते हैं, ये आप लोगों के कौन से फाइलम में आते हैं, ये ऑर्थोप्रोडा में आते हैं। इस फाइलम की क्या खास बात है दोस्तों, ऑर्थ्रो का मतलब होता है दोस्तों जॉइंटेड, और पोड़ा का मतलब होता है पैर, यानी ऐसे जीव दोस्तों जिनके पैर जुड़े होते हैं। जैसे कॉकरोच की अगर हम लोग बात करेंगे, अगर इसको उल्टा करोगे तो देखोगे इसके जो पैर होते हैं ना, ये आपस में जुड़े होते हैं। तो आप लोग के जो मकड़ी होते हैं, इसके भी पैर क्या होते हैं दोस्तों, जुड़े होते हैं। आप लोगों से एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था मकड़ी में कितने जोड़ी पैर होते हैं, तो दोस्तों मकड़ी में चार जोड़ी पैर होते हैं। चार जोड़ी का मतलब क्या है दोस्तों, टोटल पैर कितने होते हैं, आठ पैर होते हैं, देख सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 पैर होते हैं। अगर आप लोगों से पैर पूछे जाए, जोड़ी पूछी जाए, तो 4 जोड़ी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर बताएंगे।
तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रासायनिक हथियार के रूप में किसका इस्तेमाल किया गया था दोस्तों? इसी इस्तेमाल किया गया था मस्टर्ड गैस का। क्या होती है मस्टर्ड गैस दोस्तों? ये आप लोगों के हाथ में फफोले पैदा कर सकती है, ये इतनी खतरनाक होती है, आपके हाथ में फफोले पैदा कर देती है। फफोले का मतलब आप लोग के दोस्तों फूल जाती है ना आप लोग की चमड़ी, तो आपके हाथ में फफोले पैदा कर देती है। अगर आप लोगों से पूछा जाए इस मस्टर्ड गैस का साइंटिफिक नेम क्या है, तो दोस्तों इसका केमिकल नेम हो जाएगा डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड। ध्यान रखेंगे दोस्तों, डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड इसका केमिकल नेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। आरडीएस का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हैनिंग। बहुत जने दोस्तों अल्फ्रेड नोबल बोल रहे हैं, दोस्तों अल्फ्रेड नोबल ने आरडीएस का नहीं डायनामाइट का आविष्कार किया था, ठीक है। नो डाउट डायनामाइट भी आपका एक एक्सप्लोजिव मटेरियल है, आपका आरडीएक्स भी एक एक्सप्लोजिव मटेरियल है, लेकिन अगर हम लोग बात करें अल्फ्रेड नोबल की, तो इन्होंने जो दोस्तों डायनामाइट की खोज करी थी, और आपको पता है इनको काफी दुख हुआ था कि इन्होंने काफी एक एक्सप्लोजिव मटेरियल की खोज कर दी। तो इन्होंने दोस्तों क्या ऐलान किया था कि जो भी अच्छे कार्यों के लिए कुछ खोज करेगा, अच्छे कार्यों की कुछ खोज करेगा, उनको इनकी प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट होता है उसका कुछ पार्ट एज अ पुरस्कार दिया जाएगा, और इसी पुरस्कार को क्या नाम दिया गया दोस्तों? नोबल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें आरडीएक्स के आविष्कार की, तो दोस्तों पूरा नाम हो जाएगा जॉर्ज फ्रेडरिच हैनिंग, है ना। तो इन्होंने क्या किया था? आरडीएक्स का आविष्कार करा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए आरडीएक्स का फॉर्मूला क्या है, तो C3H6N6O6 इसका पूरा फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। तो पूछा जा रहा है दोस्तों ट्रांजिस्टर बनाने के लिए कौन से दो तत्व इस्तेमाल करे जाते हैं? तो ये इस्तेमाल करे जाते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये दोनों ही कैसे हैं दोस्तों? मेटल है ये, नॉन मेटल? तो दोस्तों अगर हम लोग बात करिए, दोनों आप लोगों के हो जाएंगे मेटलॉइड यानी उपधातु, समझ गए। अगर आप लोगों से पूछा जाए इसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो दोस्तों सिलिकॉन का होता है 14, जर्मेनियम का होता है 32। इन दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है ट्रांजिस्टर बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताएंगे। दोस्तों अगर आप लोग पीतल को हवा में रखते हो तो वो काफी डल पड़ जाती है ना, उसका कलर जो होता है धुंधला पड़ जाता है। सेम अगर हम लोग बात करें चांदी को भी, अगर आप लोग हवा में रखोगे तो वो काली पड़ जाती है दोस्तों। इसका कारण क्या है? जो आप लोग के हवा में यानी वायु में दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस होती है, इसी की वजह से दोस्तों चांदी का रंग भी क्या पड़ जाता है? काला पड़ जाता है। जो पीतल हो जाता है उसका भी रंग दोस्तों कैसा हो जाता है? डल सा हो जाता है, धुंधला हो जाता है, फीका हो जाता है। तो इसका कारण होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है दोस्तों जो रोडेंटिसाइड है वो एक रासायनिक पदार्थ है, किसको कंट्रोल करने में इसका इस्तेमाल करा जाता है? तो दोस्तों जो रोडेंटिसाइड होता है वो चूहे को मारने की दवाई होती है, चूहे को मारने की दवाई होती है, ध्यान आप लोग रखेंगे। तो किसको कंट्रोल करने में इस्तेमाल करा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, माउस को यानी चूहे में। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है, कौन सा यौगिक है जिसका इस्तेमाल रोडेंटिसाइड यानी कृतंकनाशी के रूप में करा जाता है? इस रोडेंटिसाइड को दोस्तों कृतंकनाशी भी बोलते हैं, ध्यान आप लोग रखेंगे, ठीक है। तो जो जिंक फॉस्फाइड होता है ना दोस्तों, जिंक फॉस्फाइड इसका इस्तेमाल करा जाता है किसके रूप में? रोडेंटिसाइड के रूप में। अगर आप लोगों से जिंक फॉस्फाइड का फॉर्मूला पूछे, तो दोस्तों ZnP2 इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा ना, जिंक फॉस्फाइड, या सॉरी ZnP3 हो गया ना, ZnP3 इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान आप लोग रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। सिंपल क्वेश्चन आंसर बताएंगे दोस्तों। इकलौता ऐसा कौन सा अधातु है जो कि तरल रहता है ना, आप लोग के रूम टेम्परेचर पे तरल अवस्था में रहता है। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जितने भी आप लोगों के नॉन मेटल है यानी दोस्तों अधातु है, वो या तो आप लोगों के सॉलिड स्टेट में रहते हैं, ठोस अवस्था में रहते हैं, या लिक्विड स्टेट में रहते हैं, या आप लोगों के गैसीय स्टेट में रहते हैं। जैसे आप लोग के हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल है, कौन सी अवस्था में पाया जाता है दोस्तों, वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। लेकिन अगर हम लोग जैसे आयोडीन की बात करें तो आयोडीन आप लोगों का क्या है, ये एक नॉन मेटल है और ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। लेकिन दोस्तों आपका इकलौता ऐसा लिक्विड जो कि इकलौता ऐसा नॉन मेटल यानी इकलौता ऐसा अधातु जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है, वो आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों ब्रोमीन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि दोस्तों एक आइसोटोप है, ये आइसोटोप किसका है, कार्बन का है, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है 6C12, 6C14 ये कार्बन के आइसोटोप होते हैं यानी समस्थानिक होते हैं। क्यों बोल रहे हैं आइसोटोप्स, क्योंकि आपको बताया अगर दोस्तों इनके परमाणु क्रमांक समान है और दोस्तों द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है तो इनको हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं, समस्थानिक। तो इस वाले आइसोटोप का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, तो दोस्तों जो भी फॉसिल होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई आप लोग का पेड़ है, अब पेड़ दब के बहुत टाइम हो गया उसको, तो कितने समय से वो पेड़ दबा हुआ था, उसकी आयु निकालने के लिए हम लोग इस आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं। और ध्यान रखेंगे इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कार्बन डेटिंग, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कार्बन डेटिंग। तो ये प्रोसेस का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, जो जीवाश्म होते हैं इनकी आयु का पता लगाने के लिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों जिंक फॉस्फाइड का फॉर्मूला Zn3P2 होगा ना, Zn3P2 होगा, Zn3P2 याद रखेंगे। तो आप लोगों से दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा सुमेलित है, सही सुमेलित कौन सा है। तो दोस्तों अभी अभी हम लोगों ने देखा है जो जिंक फॉस्फाइड होता है वो किसके रूप में इस्तेमाल होता है, जो आपका Zn3P2 होता है इसका इस्तेमाल किसमें होता है, रैट पॉइजन यानी चूहे मारने के जहर के रूप में इसका इस्तेमाल करा जाता है, यानी ये बिल्कुल सही है। अब हम लोग बात करते हैं सिल्वर आयोडाइड, आप लोग हॉर्न सिल्वर, नहीं दोस्तों आप लोगों का जो सिल्वर क्लोराइड होता है इसको हम लोग हॉर्न सिल्वर बोलते हैं, यानी दोस्तों ये आप लोगों का करेक्टली मैच नहीं है। आप लोगों से पूछा जा रहा है जो आर्टिफिशियल रेन है उसमें सिल्वर क्लोराइड का इस्तेमाल करा जाता है क्या, नहीं दोस्तों उसमें सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करा जाता है, तो ये भी आप लोगों का गलत हो जाएगा। दोस्तों क्या जिंक सल्फाइड को हम लोग फिलोसॉफिकल वूल बोलते हैं क्या, बताएंगे। जो फिलोसॉफिकल वूल होता है, यशत का फूल, याद है क्या, 4-5 दिन पहले हम लोगों ने क्वेश्चन करा था दोस्तों, वो जिंक ऑक्साइड होता है ना कि जिंक सल्फाइड होता है। तो ये भी आप लोगों का सही तरीके से मैच नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आप लोगों का जिंक फॉस्फाइड एक रेड पॉइजन होता है, बिल्कुल यह सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों बोला जा रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा झिल्ली, वो किससे बनी होती है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिपोप्रोटीन। अब ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है दोस्तों, ध्यान रखिए किसी भी सेल की जो बाह्यतम आप लोगों की लेयर होती है ना, आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। दोस्तों इस कोशिका भित्ति जो होती है इसके अंदर एक और लेयर पाई जाती है
जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन, या हिंदी में इसको बोला जाता है कोशिका झिल्ली। ध्यान रखेंगे इस सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली को ही क्या बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, प्लाज्मा झिल्ली भी बोला जाता है। दोस्तों ये आप लोगों की जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किससे मिलके बनी होती है, दोस्तों ये आप लोगों के लीपोप्रोटीन से मिलके बनी होती है। ये लीपोप्रोटीन क्या होता है, ये एक मिक्सचर होता है किसका, लिपिड का और प्रोटीन का। आप लोग बोलेंगे प्रोटीन तो सुना है, ये लिपिड क्या होता है, मेरे दोस्तों फैट यानी वसा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लिपिड बोलते हैं। तो ये लीपोप्रोटीन क्या हो जाएगा, एक मिक्सचर हो जाएगा वसा का और प्रोटीन का, और इसी से ही दोस्तों क्या बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली बनी होती है, जिसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो वनस्पति तेल होते हैं उनके हाइड्रोजनीकरण के लिए कौन से कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो बात आती है दोस्तों हाइड्रोजनीकरण होता क्या है, दोस्तों हाइड्रोजन गैस को मिलाना, किसी में हाइड्रोजन गैस को मिलाना, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, या फिर हिंदी में आप लोग बोल सकते हो हाइड्रोजनीकरण। अब बात आती है क्यों करते हैं, दोस्तों जो वनस्पति तेल होते हैं अगर आप लोग इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे, यानी दोस्तों जब इसमें हाइड्रोजन गैस मिलाएंगे तो वनस्पति तेल क्या बन जाता है, वनस्पति घी बन जाता है। तो अगर आप लोगों को दोस्तों वेजिटेबल ऑयल यानी वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलना है तो कौन सी गैस को मिलाना पड़ेगा, हाइड्रोजन गैस को मिलाना पड़ेगा, और इस प्रक्रिया में एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल करा जाता है, वो कैटलिस्ट कौन सा होता है, निकल कैटलिस्ट। दोस्तों कैटलिस्ट क्या होते हैं, उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकेल का इस्तेमाल करा जाता है, ध्यान आप लोग रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। तो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट ऑक्साइड। देखिए आप लोगों को पता है ग्लास को आपने देखा होगा अलग अलग रंग प्रोवाइड करते हैं हम लोग, कोई ग्रीन कलर का कांच आपने देखा होगा, रेड कलर का देखा होगा, तो इन ग्लासों का जो कलर होता है किसकी वजह से होता है, दोस्तों ध्यान रखेंगे अगर आप लोग कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाते हो तो कलर कैसा मिलता है, ब्लू मिलता है, वॉयलेट मिलता है। तो आप लोगों से यही पूछा गया था कि ग्लास को अगर नीला रंग प्रदान करना है तो किसका आप लोग यूज करेंगे, कोबाल्ट ऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे। अगर दोस्तों आप लोग क्या मिलाते हो, कैडमियम सल्फाइड मिलाते हो तो ग्लास को कौन सा कलर मिलता है, येलो कलर मिलता है, समझ रहे हो बात को। अगर आप लोगों को पर्पल कलर का यानी बैंगनी कलर का ग्लास बनाना है तो मैंगनीज डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। तो ये अलग अलग आप लोगों के दोस्तों क्या है, कंपाउंड यूज करे जाते हैं ग्लास को अलग अलग रंग प्रोवाइड करने के लिए। तो आप लोगों से अभी केवल ब्लू वाला पूछा गया था, तो नीले के लिए कौन सा इस्तेमाल करा जाता है, कोबाल्ट ऑक्साइड इस्तेमाल करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। ये क्वेश्चन अभी दो दिन पहले एनटीपीसी में पूछा गया, फिर भी गलत कर रहे हो। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें दोस्तों रूबी की, बात करें नीलम की, आपने सुना होगा ये पत्थर है ना, रूबी का पत्थर आता है, जो कुछ जने अंगूठी भी पहनते हैं इनकी। तो रूबी और नीलम की बात करें दोस्तों ये कुछ भी नहीं है, ये एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होता है, इनका फॉर्मूला होता है Al2O3, ठीक है, ये आपके एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से होते हैं। तो इनमें कुछ अलग अलग अमाउंट के कुछ ट्रेस एलिमेंट मिलाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी में क्रोमियम मिला दिया, किसी में कुछ क्या मिला दिया, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो Al2O3 होता है, यानी किसके ऑक्साइड हो गए, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हो गए, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे।
तो क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया दोस्तों, जो बेकिंग सोडा होता है या फिर आप लोगों को बोला जा सकता है खाने का सोडा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, NaHCO3। और अगर बात करें वॉशिंग सोडा की यानी दोस्तों धावन सोडा की अगर हम लोग बात करें, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे, बताइए। जो एस्पिरिन होती है वो किसका कॉमन नेम है, मतलब एस्पिरिन एक कॉमन नेम है। वैसे ही दोस्तों ये जो आप लोगों का एस्पिरिन है क्या होती है, एक दवाई होती है, किसको मतलब किस चीज के लिए इस्तेमाल करी जाती है ये। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करिए बुखार के लिए, ठीक है आप लोग के दोस्तों सूजन के लिए, अगर हम लोग बात करें किस किस के लिए कहते हैं, दर्द के लिए, बुखार के लिए, सूजन के लिए, इसके इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक दवाई है। तो किसका इस्तेमाल करते हैं, एस्पिरिन का करते हैं। तो अगर बात करें एस्पिरिन तो कॉमन नेम हो गया, लेकिन रियल में इस दवाई का नाम क्या होता है, ये होता है आपका एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ध्यान आप लोग रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे, नींबू के रस का पीएच कितना होने की उम्मीद है आपको। तो नींबू के रस के पीएच की अगर हम लोग बात करें तो इसका पीएच होता है दोस्तों 2.3 होता ही है ना, आपका खट्टा होता है ना ये काफी, ठीक है। तो ये आपका क्या है दोस्तों, अम्लीय प्रकृति का होता है और इसकी पीएच वैल्यू लगभग लगभग 2.3 होती है। तो किससे कम हो गई दोस्तों, 7 से कम हो गई, लेस देन 7। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे, तो सीपीयू द्वारा सीधी समझे जाने वाली भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है दोस्तों। सीपीयू आप लोग की मशीन लैंग्वेज ही समझता है, बहुत जने सी प्लस प्लस दे रहे हैं दोस्तों, आपका सीपीयू ये लैंग्वेज समझ ही नहीं सकता सी प्लस प्लस। तो सीपीयू डज नॉट अंडरस्टैंड दी सी प्लस प्लस लैंग्वेज या और कोई सी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो अंडरस्टैंड नहीं करता। तो क्या करना चाहिए इससे पहले, तो ऑल दी हाई लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड, है ना। तो केवल और केवल जो आपका सीपीयू है वो मशीन लैंग्वेज ही समझ सकता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे, तो दोस्तों जो ओल्ड ऑयल पेंटिंग होती है ना, तो अगर वो डल हो जाती है उसको बिल्कुल साफ करने के लिए, वापस उस पर वैसा ही कलर करने के लिए किसका इस्तेमाल करा जाता है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का करा जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको दोस्तों आप लोग वापस आपको कलर करना है तो किसका इस्तेमाल करा जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का, जिसका फॉर्मूला होता है H2O2, इसका सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे, तो MIDI का दोस्तों पूरा नाम क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो ये आप लोग का हो जाएगा दोस्तों, क्या होता है ये आप लोगों का, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। इसके क्या हो जाएगी दोस्तों, पूरी फुल फॉर्म हो जाएगी। आजकल आप लोगों से बहुत ज्यादा फुल फॉर्म पूछा जा रहा है NTPC में, तो ये सभी आप लोग ध्यान रखेंगे जो भी मैं करवाता जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन नहीं है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से इंकलेस प्रिंटर कौन सा है, मतलब इनमें स्याही नहीं होती। तो दोस्तों ये आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थर्मल प्रिंटर, ठीक है दोस्तों। ये जो आपका थर्मल प्रिंटर होता है इसमें कोई भी आप लोगों की स्याही नहीं यूज करी जाती है, याद रखेंगे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो का फॉर्मेट है? तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों GIF की, तो ये आप लोगों का एक इमेज का फॉर्मेट होता है। FLV ये हो जाएगा आपका वीडियो का फॉर्मेट, जिसका दोस्तों फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी फ्लैश वीडियो फॉर्मेट। और PNG ये भी आप लोग जानते हो, ये भी एक इमेज का फॉर्मेट है। JPG भी एक इमेज का फॉर्मेट है, जबकि आपका FLV जिसकी फुल फॉर्म होती है फ्लैश वीडियो फॉर्मेट, तो ये आप लोगों का वीडियो का ही एक फॉर्मेट होता है, एक क्या होता है दोस्तों टाइप होता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। चलिए मैं आप लोगों को आपके रैंक बता देता हूं, आप लोग देख सकते हो आप लोगों की क्या रैंक आई है। जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं, टोटल 35 क्वेश्चन करे हैं, लेकिन आज टेक्निकल इश्यू होने की वजह से पहले वाले क्वेश्चन में 2 बार पोल आ गया था, है ना दोस्तों। आज के लिए मैं पहले तो आपसे माफी चाहता हूं, क्योंकि आज बहुत ज्यादा टेक्निकल इश्यू आया, आपका 10 से 12 मिनट आपके वेस्ट हुए हैं, है ना। तो वैसे आप लोग जानते हैं डेली जो भी, अच्छा कितने ऐसे स्टूडेंट है जो डेली क्लास लेते हैं, तो आई थिंक उनको तो पता ही होगा कि डेली ऐसा कुछ नहीं होता, सीधे हम लोग क्लास स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अब टेक्निकल इशू आ गया था दोस्तों, क्या कर सकते हैं ना। देखिए बहुत सारे बच्चे मुझे पता है दोस्तों, डेली आप सभी प्यारे बच्चे जो भी हो क्लास लेते हो, इसका मुझे पूरा अंदाजा है, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं दोस्तों, डेली रात को 11:30 बजे आप लोग ये एनालिसिस देख लिया करो। वाईफाई शेड यूट्यूब चैनल पे कराता हूं मैं, जितने भी दोनों शिफ्ट होती है उन सबका एनालिसिस मैं आपको करवाता हूं। और डेली 1 PM पे ये क्लास मिस ना करे आप लोग, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर दोस्तों यहाँ पर मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए, जिससे आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। 11 जनवरी की से दोस्तों सभी टॉप टीचर्स के टॉप बैच स्टार्ट हो चुके हैं। मेरा साइंस का बिल्कुल बेसिक बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसको बिल्कुल बेसिक से पढ़नी है दोस्तों, बायोलॉजी सबसे पहले स्टार्ट हुई है, आप लोग पढ़ के देखो मजा आ जाएगा। जिसको ये भी नहीं पता कोशिका क्या होता है, ब्लड क्या होता है, वो भी दोस्तों बिल्कुल मास्टर बन जाएगा। यहाँ पर सभी बेस्ट एजुकेटर्स की क्लास आपको मिल जाएगी, किसी के लिए भी दोस्तों अलग से पैसा देने की जरूरत नहीं है, सारे कोर्स आप लोगों को एक सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे। तो SSC एग्जाम्स का गेट सब्सक्रिप्शन कर लो, 24 महीने का दोस्तों 7800 है, नीरज 11 आप लोग लगाओगे तो ये आपका 7020 में पड़ जाएगा। ठीक है, बताओ दोस्तों और कुछ मन में समस्या? सर ग्रुप डी का सी मैंने आपको बता दिया ना दोस्तों, मंडे से हम लोग सारे इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे आप लोगों के NTPC एंड ग्रुप डी के लिए, एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का साइंस का एक भी क्वेश्चन कटने वाला नहीं है, हम लोग सभी तरह से दोस्तों बेसिक वगैरह सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, एक बिल्कुल नया आप लोगों को रूप दिखेगा, आप देखना उस क्लास को, मंडे से स्टार्ट होगी सुबह 9:30 बजे। सर आज रात में भी होगा क्या? बिल्कुल दोस्तों, रात को 11:30 बजे भी एनालिसिस होगा। आज के दोनों शिफ्ट यानी 30 जनवरी के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चंस का। सर शाम को 7 बजे एनालिसिस, दोस्तों आपको बताया शाम को 7 बजे डालता था मैं, लेकिन उसमें केवल और केवल कंप्यूटर के और साइंस के ऐड करता था, लेकिन अब से मैं आप लोगों के लिए साइंस, कंप्यूटर, एनवायरमेंट, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी क्वेश्चंस मैं कवर करवा देता हूँ एक ही वीडियो में दोनों शिफ्ट के। वाटर का PA 7 हो जाएगा। ओके, और नीरज सर वाईफाई स्टडी ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हो, मेरी सभी क्लासेज का इंफॉर्मेशन वहां पर मैं दे देता हूँ क्लास से पहले। सर मेरा एग्जाम 4 फरवरी को, जिनका भी एग्जाम है आपका ऑल द बेस्ट दोस्तों सभी को। सर ब्लड का PH 7.4 होता ना, 7.3 से 7.4 के बीच में होता है आपके ब्लड का PH। दोस्तों कल मैंने एक फिरेरा फेरी वाला वीडियो करा था, देखा था क्या आपने? कितनों ने देखा था पहले ये बताओ, और किन्होंने नहीं देखा था वो नो करो, बस यही तो है आपका दिमाग है नो। वैसे तो मैक्सिमम स्टूडेंट यस बोल रहे हैं, अरे कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, देखा है दिमाग कोई चला सकता कि इतना। मैं कल ऐसे मूवी देख रहा, वो फिरेरा फेरी चल रही थी, जेन्युइनली बोल रहा हूँ मैं, तो वो वाला सीन आ रहा था जब अक्षय कुमार सर्कस में एंटर करता है ना, उसकी बहुत सारी इमेज बन जाती है ना वो, समझ रहे हो आप। तो मैंने सोचा यार क्यों ना बच्चों को ये कॉन्सेप्ट बताया जाए कि इसकी इमेज एक से ज्यादा कैसे बन रही है, और आप भी निकाल सकते हो कि दोस्तों कितनी इमेजेस बनेगी, तो वो वीडियो में देखना मैंने डाला था इमेजेस की फेरा फेरी, हेरा फेरी है। तो यार मेहनत लगती है उसके लिए, ऐसा नहीं है वो वीडियो आप देखो। हाँ 360 बटे थीटा -1, 2 मिनट का वीडियो था, कितनी चीजें सिखा के चला गया था मैं उसमें। दोस्तों आपका हाथ सही हो गया, दोस्तों हाथ में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, देखो मैं दवाई लिया, पेन किलर लिया, तो पेन किलर से बस ये है कि मैं थोड़ा सा सीधा कर रहा हूँ तो अभी पेन नहीं हो रहा, लेकिन जैसे उसका असर खत्म होगा फिर वही, तो अभी दिखाऊंगा मैं, कल दिखाऊंगा ना, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा मेरे को।
देखो आप साइंस की टेंशन छोड़ दो मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं मांग रहा, सिर्फ आप लोगों को बोल रहा हूँ 1 बजे और 9:30 बजे क्लास ले लिया करो। जो लेते हैं उनको पता है कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है कितना नहीं हो रहा। कल संडे है सर, कल बिल्कुल आप लोगों का संडे है, कल बिल्कुल संडे है, बताओ। तो दोस्तों कल इस 1 बजे वाली क्लास की छुट्टी रख ले क्या? कल देखो 1 बजे वाली क्लास की भी छुट्टी रख लेते हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ। कल अपनी जो स्पेशल क्लास होगी ना 1 PM वाली, इसकी अपन छुट्टी रख लेते हैं। कल आप लोगों का वो है संडे, कल छुट्टी रख लेंगे। कल दोस्तों 9:30 बजे वाली क्लास की भी मैं छुट्टी रखूंगा, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, इसको आराम की जरूरत है ना। बाकी मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है छुट्टी में, लेकिन दोस्तों अभी मेरा हाथ बहुत ज्यादा पेन कर रहा है, मेरे को डॉक्टर को दिखाने जाना है, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा। मैं रोजाना टाल रहा हूँ, क्या जाऊंगा जाऊंगा भैया, हाथ टेढ़ा हो जाएगा तो कैसे पढ़ाऊंगा। ये देखो हाथ टेढ़ा जा रहा है, आज तो फिर भी थोड़ा सा मैंने पेन किलर ले रखी है तो सीधा हो रहा है थोड़ा सा ना, कल तो ऐसे जा रहा था ऐसे। अंकित जी प्लस पे आप लोगों की क्लास है, आज भी क्लास है शाम को 4 बजे, और कल भी क्लास होगी आप लोगों की प्लस पे 11 बजे, ठीक है? और कोई डाउट? और बताओ सर 9:30 बजे क्या पढ़ा रहे हो? दोस्तों मंडे से 9:30 बजे आप लोगों को पता है ग्रुप डी में 25 नंबर की साइंस आएगी, तो अब मैं दोस्तों साथ में ग्रुप डी को भी लेके चल रहा हूँ, ग्रुप डी एंड एनटीपीसी। वैसे मैं आपको बताऊं सिलेबस में दोनों में ही जनरल साइंस है, लेकिन अब आपको ग्रुप डी में दोस्तों थोड़े से अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों जब एक सेट में 25 क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें सारा पूछ लेगा, इस विटामिन की वजह से कौन सी कमी हुई है, इस मिरर का फॉर्मूला क्या है। तो दोस्तों 25-25 क्वेश्चन अगर एक सेट में आ रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों के क्या होंगे फिर, एग्जामिनर सारे क्वेश्चन तो सेम डाल नहीं सकता, लेकिन रिपीट यहां पर बहुत होंगे तो फिर उल्टे सीधे क्वेश्चन डालेगा। तो हम लोग को सभी तरह के क्वेश्चन कवर करना है। ठीक है, तो कल आप लोग की संडे का मैंने ऑफ रखा है, ध्यान रखेंगे संडे का। कल 1 बजे भी क्लास नहीं होगी और 9:30 बजे क्लास भी नहीं होगी कल। और बाकी अगर मैं कुछ छोटे छोटे वीडियो डालूंगा मैं आपको यूट्यूब पे, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप टेंशन ना लीजिएगा ना, आपके टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाऊं। सर जीके कुछ समझ नहीं आता तो दोस्तों प्लस से पढ़ लो, बहुत सारे टीचर है, मैं आपको साइंस की गारंटी ले सकता हूँ, साइंस में आप लोग को यहाँ पर करवा रहा हूँ। ग्रुप डी के लिए कहाँ पढ़ाओगे दोस्तों? ये 1 बजे वाली क्लास में, इस 1 PM वाली क्लास पे, और दोस्तों सुबह 9:30 बजे यूट्यूब पर वाईफाई स्टडी चैनल पे, मंडे से स्टार्ट हो जाएगी है वाईफाई स्टडी। ठीक है, ग्रुप डी में जीके कितने नंबर की आएगी दोस्तों? ग्रुप डी में जीके 25 नंबर की और साइंस 25, ग्रुप डी में जीके 20 नंबर की है और साइंस 25 नंबर की है। ओके चलो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। बाकी की जानकारी मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ जाओ, नीरज सर वाईफाई स्टडी नाम है, नीरज सर वाईफाई स्टडी ग्रुप। बाय बाय, टेक केयर।